रही है हमारी फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करने का। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें आवाज़ सुनाई दे रही है। और अब ओनली बेस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं 4558 आईसी का एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी बेस फिल्टर, जिससे कि आप अपने हिसाब से फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना साउंड चाहिए और कितनी बेस चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और बनाते हैं इस बेस फिल्टर को। दोस्तों, सबसे पहले हमें आईसी की फर्स्ट और सेकेंड नंबर पिन को शॉर्ट कर देना है। देन दोस्तों, इसके बाद हमें एक 56K का रजिस्टर चाहिए और इसे हमें आईसी की 6 और 7 नंबर पिन पर कुछ इस तरह से लगा देना है। अब हम 22K के रजिस्टर को आईसी की 3rd नंबर पिन पर कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। दोस्तों, इसके बाद हमें एक 104J का पीएफ चाहिए। यहाँ पर आप 224104J या K यूज कर सकते हैं और इसे हमें आईसी की 3rd नंबर पिन से लेकर 5th नंबर पिन पर कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना है। अब हम 104K पीएफ को आईसी की 1st नंबर पिन से लेकर और 22K के रजिस्टर के यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। दोस्तों, इसके बाद हमें एक 100K का पोटेंशियल मीटर चाहिए और इसे हमें आईसी की 7 नंबर पिन से लेकर 104K और 22K के रजिस्टर के बीच में यहाँ पर आपको इसे कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमें 2 कैपेसिटर चाहिए, 50V 1UF। यहाँ पर आप 4.7UF भी यूज कर सकते हैं और इनमें से एक कैपेसिटर को हमें आईसी की 6 नंबर पिन और जो दूसरा कैपेसिटर उसको हमें आईसी की 1st नंबर पिन पर कनेक्ट कर देना है जो इस तरह से। दोस्तों, अब हमें 680 ओम के 2 रजिस्टर चाहिए। यहाँ पर आप 1K के रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं और अगर आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, इन रजिस्टर को हमें आईसी की 8 नंबर पिन और 4 नंबर पिन पर कनेक्ट कर देना है। दोस्तों, ये रजिस्टर हम सेफ्टी के लिए लगाते हैं जिससे कि हमारी आईसी हाई वोल्टेज से शॉर्ट ना हो। दोस्तों, अब मैं आपको इसके कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हमारी -12V और यहाँ पर हमारी +12V और ये हमारा ग्राउंड है। और दोस्तों, यहाँ से हमारी ऑडियो इन होगी और यहाँ से ऑडियो आउट, जो कि हम किसी भी एम्पलीफायर में दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से इसकी सभी वायरिंग और कनेक्शंस कर लेते हैं और दोस्तों फिर करते हैं इसकी टेस्टिंग।
दोस्तों ये हमारा वॉल्यूम है, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने का अब ओनली बेस। Thank you.